सीधे बात पे आता हूँ, मन की बात नहीं काम की बात करूंगा, खराब रहेगा तो भी कोई बात नहीं। एक कहते हैं कि अभाव में स्वभाव बिगड़ता है, तो हमारे पास वक्ता बहुत ज्यादा है, श्रोता कम है, लीडर बहुत ज्यादा है, फॉलोअर बहुत कम है, और शायद इसी में हम लोग गड़बड़ाए हुए हैं। हड़बड़ी है, आपाधापी है, सबको कुछ बनना है, और हमारी क्या बोले ख्वाहिश से मतलब जो चाहत है इतनी कम और इतनी छोटी है कि मैक्सिमम जाकर पार्लियामेंट में सिमट जाता है, कि संसद में चले जाएंगे तो बहुत बड़ा कुछ काम हो जाएगा। यही हमारी मैक्सिमम देश भर में घूमता रहता हूँ, यही अनुभव है हमारा। 99% लोग चाहते हैं कि हमको टिकट मिल जाएगा, टिकट का खेला जो है बड़ा बेकार है। दुनिया इसके बियॉन्ड है और आपकी लड़ाई जो है ना वो टिकट के भी बियॉन्ड है, ये सिर्फ टिकट के लिए नहीं है। और जब भी आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो आपको पुनः वर्ड पैक ध्यान में रखना चाहिए। साथियों संक्षेप में मैं बात रखूंगा कि देखिए इस देश में कभी भी संविधान खत्म करने की घोषणा नहीं होगी, क्लैरिटी रख लीजिए, कभी घोषणा नहीं होगी हम संविधान खत्म करते, कभी आरक्षण खत्म करने की घोषणा नहीं होगी, जितना जब आपके बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित कौन है, शिक्षित वही है जो अपने शत्रु को पहचानता है, तो जब आपके शत्रु संविधान के बारे में ज्यादा चर्चा करने लगे, संविधान के सामने सर झुकाने लगे, तब समझिए कि संविधान खतरे में है। जब आपके शत्रु ये कहना शुरू कर दें कि देखता हूं कोई माई का लाल जो है आरक्षण को हाथ नहीं लगा सकता है, तब समझना कि आपका आरक्षण खत्म खतरे में। जब बोले कि दलित भाइयों को नहीं मारो मुझे मारो, तो समझो कि तुम्हारे पीठ पर डंडे ज्यादा पड़ने वाले हैं, उल्टा पड़ने की आदत। आखिर कल ही हम लोग को बोलना है पर्सनल क्लब में वी द पीपल का प्रोग्राम कि जाति जनगणना और तमाम आरक्षण और तमाम, कई बार मैं सोचता हूं कि आखिर जाति जनगणना भी हो गई और आप सबको 85% को 85% रिजर्वेशन भी दे दिए गए, प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन हो गया, सब कुछ बट गया इस देश का संसाधन, अगर तब भी आप बोलबम में ही जाओगे, लाइन लगाओगे बोलबम में ही, एनआरसी पे चुप बैठोगे, तो मुझे लगता है कि उस दिन आपके विरोध में मैं अकेले भी खड़ा होना हुआ तो मैं खड़ा करूंगा कि आरक्षण क्या मतलब। मैं देख रहा हूं आरक्षण, देखिए आरक्षण लेकर बहुत सारे लोगों ने जाके घर में देखिए आपके शत्रु को आपने पाला हुआ है, नाक को दूध पिला रहे हैं, तो अगर आपका आरक्षण लेकर देश की संपत्ति बांट कर भी अगर उनके एजेंडा पे आप चलेंगे कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो आपके विरोध में अकेले हम खड़े रहेंगे, आपको दावा के साथ इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं। इसलिए बात समझिए, पहले अपने अपने घर में जाके आस पड़ोस में मतलब ये विडंबना देखिए, आरक्षण खत्म हो रहा है, लैटरल एंट्री हो रही है आईएएस की, अब बोलबम में हमारे लोगों की संख्या बढ़ रही, डीजे पे डांस धुन बज रहा है, इसका क्या मतलब है? सिर्फ इलेक्शन और राजनीति में इसके समाधान नहीं है, यह समझना है इसके समाधान सांस्कृतिक आंदोलन। क्यों तमिलनाडु में इतना हिम्मत करके भी आज तक ये सेंध नहीं मार पाए हैं? क्योंकि वैकल्पिक विचारधारा हम लोगों ने बात करते हैं, हम लोगों से किसी ने भी तरीके से लोहिया के, पेरियार के, बाबा साहब के, जगदेव प्रसाद के विचारों को न तो गंभीरता से पढ़ा, मैंने भी नहीं पढ़ा और न उसको समझा न समझाया, आंदोलन चलाया। चुनाव एक दिन होता है साथियों, और जिन लोगों को जरा दिलचस्पी है ना कि हमको टिकट मिल जाएगा चुनाव लड़ेंगे, आप पीछे रहिए तो ज्यादा बेहतर है, हमारी लड़ाई उसके बियॉन्ड की है कि घर घर उसको पहुंचाना है। तुम अपने शत्रु को पहचानो, जिसको चंदा देते हो उसी चंदे से वो डंडा बनता है और तेरे पीठ को तोड़ दिए जाते हैं उसी चंदे के डंडे से।
साथियों कितना एमएलएमपी बना लेंगे, अकेले बाबा साहब लड़के आप सबको इतने सारे सुरक्षा अधिकार सब कुछ देंगे, और कई हजार एमएलए, 131 सांसद, इतने मिनिस्टर्स, इतने डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, कलेक्टर, ये सब हो के भी आप सबके सामने ये छीन गया, इसका मतलब है कि मंत्री संतरी आईएएस ऑफिसर बनना ये काफी नहीं है, क्योंकि लड़ाई बुद्धि की लड़ाई है, इसलिए वह बुद्धि को मानने वाले लोग हैं। एक तो लड़ाई दो तरह के फंक्शन हमारे पास दिख रहे हैं, हो सकता है मैं गलत हूं। एक तो है कि अपने राजनीतिक शत्रु को राजनीतिक रूप से तुरंत परास्त करना। हमारे बिहार उत्तर प्रदेश में हमारे ही कंधे पे बैठ के लोग गए, अब बैठ के गए और कंधा तोड़ दिया, पूरे यूपी बिहार दोनों पे कब्जा कर लिया, कर लिया कि नहीं कर लिया, राजसत्ता तो आपने दी थी, तो इसका मतलब जो राजसत्ता हमारे लेते हैं उनको भी राजसत्ता चलाना नहीं आता है, वो भी पैसा के खेल में और सीबीआई ईडी के चक्कर में वो भी फंसे रहते हैं। साथियों हम में से कितने ऐसे साथी हैं, एक तो है 85% जाइए चुनाव वाला हरा दीजिए, लेकिन यहां तो है एकदम एकता होनी चाहिए, लेकिन सब मेरे पीछे आओ मैं रहूंगा नेता। अरे इस देश में आपको पता ही नहीं हजारों लीडर्स की जरूरत है, और लीडर्स मतलब खाली टिकटार्थी नहीं, एमएलए एमपी बनने वाला नहीं, इंटेलेक्चुअल लीडरशिप, इकोनॉमिस्ट चाहिए, हिस्टोरियन चाहिए, जर्नलिस्ट चाहिए, है आपके पास कुछ नहीं, आपने कुछ बनाया नहीं, बनाया ही नहीं, नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेशन करने के लिए आपके पास आदमी है नहीं, आपके पास 10 लॉयर सुप्रीम कोर्ट में नहीं, आपके पास 5 हिस्टोरियन देश में हमको बता दिए नहीं है, 5 पॉलिटिकल साइंटिस्ट बता दीजिए नहीं है, 5 जर्नलिस्ट बता दीजिए, सोशल मीडिया वाले लोगों के माध्यम से हम लोग काम करते हैं, क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चों को ऐसा नहीं बनाया, लीडर्स अवतार नहीं होंगे, लीडर्स हमारे आपके घर से पैदा, तो भगत सिंह और भीमराव अंबेडकर और कांशीराम और जगदेव बाबू अपने घर में पैदा कीजिए जाकर, कि हमारा बेटा कलेक्टर और मैनेजमेंट गुरु, अब पड़ोसी का आंदोलन तो कर ही रहा है ना, रतन लाल जैसे लोग, सूरज मंडल जैसे लोग, जाटा साहब जैसे लोग, तमाम भानु पर आंदोलन कर ही रहे, तो लड़के आरक्षण बचा ही लेंगे, लेकिन हमारा बच्चा तैयारी करना चाहिए कलेक्टर का, तो जब नौकरी खत्म हो जाएगा तो तैयारी करते रहना, मानसिक गुलाम हो जिंदगी भर, मानसिक गुलाम आप रहोगे और पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी गुलाम बनेगी। इसलिए साथियों मैं प्रपोज करता हूं कि भीम संसद जब बने तो उसमें एक बहुजन फाउंडेशन आप बनाए, आपको जो है 100 संख्या में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ाने पड़ेंगे, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाने पड़ेंगे, कैम्ब्रिज में पढ़ाने पड़ेंगे, अगर आप समझते हैं सिर्फ भीड़ इकट्ठा करके आप लड़ाई जीत लेंगे ये कदापि संभव नहीं है, क्योंकि अगर कमांडर भीड़ सिपाही होता है वही लुटेरा होता है, कमांडर भी अगर सिपाही है वो लुटेरा होता है, उसी तरह भीड़ इकट्ठा कर लेंगे। ये बात सही है कि सोशल एक्टिविस्टों ने, मैं लीडर्स को क्रेडिट नहीं देता, सोशल एक्टिविस्ट ने 2 बार भारत बंद किए, 2 अप्रैल और 5 मार्च आप लोग भूल जाते हैं, रोस्टर के मुद्दे पे 5 मार्च को भी भारत बंद हुई थी और भारत सरकार को झुकना पड़ा था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बदलना पड़ा था और 200 पॉइंट रोस्टर आया था। ये क्रेडिट आप लोगों का है, सोशल लीडर्स मीटर्स का नहीं है, पॉलिटिकल लीडर्स का नहीं, उनको लीडर मानते हैं। तो साथियों भीड़ एक कमांड के साथ, कमांडर के साथ, इसमें हम लोग में लगता है, मैं तो मिडिल एज में आ चुका हूं, आप कहिए हमसे बुजुर्ग हैं, आप में और हम सब में ये चेतना जब तक नहीं आएगी कि आ जाओ मेरे कंधे पे पांव रखो, बनाओ अपने बेटा को भीमराव अंबेडकर, अपने बेटी को बनाओ सावित्री बाई फुले और बोलो कि मेरे कंधे पे पांव रखो, चलो मुझे तो जो बनना था बन लिया, अब तुम लोग को इस देश का शासक बनना है, तो बच्चे को शासक बनने का ट्रेनिंग दोगे तभी वो शासक बनेगा, बनोगे उसको पीएन बनने का ट्रेनिंग दोगे पीएन बनेगा, जो बनाने का ट्रेनिंग दोगे वही बनेगा। तो हम लोगों ने अपने घर में लीडर्स भी तैयार किए हैं, इसलिए बहुजन फाउंडेशन एक हमारे तरफ से प्रपोज कर रहा हूं, बिकॉज यूनिवर्सिटी में 20 साल से ज्यादा पढ़ा चुका हूं, 25-30 साल से एक्टिविस्ट हूं, छोटा मोटा जितनी अवकात हो उतना काम करता हूं। जब तक आप बड़े संख्या में इकोनॉमिक पॉलिसी पे, फॉरेन पॉलिसी पे, एनआरसी पे, आपके पास कितने रिसर्चर है जो उस पर कैपिटलिज्म के ऊपर स्टेट विड्रॉ कर रहा है, वेलफेयर स्टेट इज विदिंग अवे जा रहा है, इसे बहस करना के लिए आपके पास इतने, भाषण वाला की बात छोड़ दीजिए,
सीरियस एकेडमी काम करने वाले लोग हमारे पास नहीं है, ये फैक्ट है। इसलिए बहुजन फाउंडेशन बनाए, 10,000 रुपया आजीवन जब तक नौकरी है मैं हर साल आपको दूंगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। स्पॉन्सर कीजिए, स्कॉलर्स बनाइए, स्टेटमेंट बनाइए, तब जाके जो बाबा साहब के सपने का भारत है वो चरितार्थ हो पाएगा। शुक्रिया, थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।